ser hero do Congresso. कुछ दो साल पहले पहलवान जी मुझे एक लड़की से मिलाया था जिसका नाम था रेशमा, दो साल पहले पहले, और चूंकि वो कर्नाटक की थी और मैं भी कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली पूरी कर्नाटक से बिलोंग करती है, कर्नाटक में मेरा एक दो जेडीयू से इलेक्शन लड़ा था पिछला इलेक्शन, तो वो भी इलेक्शन लड़ी थी, तो उस ताल्लुक से हम दोनों में कुछ बातचीत हुई, बातचीत होती रही और हमारे टेलीफोन एक्सचेंज होते रहे, हुए दोनों के टेलीफोन, दो साल पहले पुरानी बात थी, और पिछले डेढ़ साल में कभी भी मुझे रेशमा का फोन नहीं आया, मैंने कभी भी रेशमा से बात नहीं की डेढ़ साल में। कुछ पाँच छः महीने पहले रेशमा का मुझे फोन आया और उसने पहलवान के ताल्लुक से कुछ बातें करने लगी मुझसे, तो वो पहलवान से कुछ नाराज थी, तो नाराज की कुछ रीजन थे उसके पर्सनल, एक्चुअली उसके पर्सनल रीजन थे, और वो चाहती थी, वो चूंकि वो शोलापुर के कई लोगों को जानती थी वो, और उसमें से ये उसने ये सोचा था कि शेख समीउल्लाह जो है ना मुझे इस पहलवान के जो उनका घरेलू झगड़ा है उससे मुझे वो निजात दिलाएंगे या मुझे उसे निकालेंगे, इसलिए वो मुझे अपने बड़े भाई के तौर पर मुझे उसने फोन किया और मुझे उसने कहा कुछ बातें, तो फौरन जो ना मैं पहलवान से मिल के ये बातें पहलवान के सामने रखी, पहलवान के सामने बताया मैंने पहलवान को, और उसी वक्त कुछ कांग्रेस के लोगों के साथ में पहलवान का एक झगड़ा हुआ था, और मैंने उसमें पहलवान से मैंने कहा कि एमआईएम में से एक आदमी जो कांग्रेस में गया है अगर इसके तक ये लड़की पहुंचती है तो तेरे पॉलिटिकल करियर में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, ये बात मैंने पहलवान से कही थी। बात उसके बाद में कई बातें, कई बार बातें होती थी, उसके बाद में बातें होती रही। रिसेंटली जो झगड़ा जो हुआ, जो कावेरी होटल के बारे में जो बात करते हैं, कावेरी होटल का जो झगड़ा हुआ वो मुझे उसमें मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त प्रकाश अम्बेडकर जी साहब के कैंपेन में था मैं, और चूंकि मैं शोलापुर से बाहर रहता था, उसने मुझे 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 नहीं लगता उसने फोन किया, और अगर फोन किया भी अगर तो मैं कभी भी उसका एक बार में फोन नहीं उठा रहा था, वो कम से कम सात आठ बार अगर फोन करती थी मैं तभी उसको फोन उठा रहा था। 22 तारीख को उसने मुझे फोन किया और कहा कि पहलवान के अगेंस्ट में मैंने केस की है, तो मैंने मेरा फौरन रिएक्शन था मेरा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, फौरन रिएक्शन था मेरा उस वक्त। तो खैर उसने मुझे कुछ बातें बताई उसने मुझे, और वो खत्म हुआ। लेकिन 23 तारीख को जब पहलवान के पहले वाइफ ने रेशमा पर जब केस दर्ज किया, तब उसने मुझे फोन करके पहलवान को और कुछ लोगों को बहुत गालियां देना शुरू कर दिया। उसके बाद में कुछ बातें होती रही, उसके बाद में कुछ बातें होती रही। उस पीरियड में एक बार मुझे उसने पूछा कि मुझे एक वकील की जरूरत है, मुझे तुम्हारे पास में कोई अगर वकील अगर आए तो मुझे वकील दे दो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने तरफ से अपना एक वकील उसको दूं तो मैं पहलवान की तरफ से उसको सेटलमेंट पर ला सकता हूँ। उसको मैं जानता था राम कदम को मैंने कहा कि ये इसका तुम केस ले, रेशमा का तुम केस ले लो, और रेशमा को उसका नंबर मैंने दे दिया। रेशमा का नंबर देने के बाद में उनसे जो भी कॉन्टैक्ट हुआ होगा बातचीत होती रही उनकी। उस पीरियड में मैं रेशमा को काफ़ी समझाता रहा मैं कि बाबा देखो मेरा ये लीडर है शोलापुर का, पहलवान शोलापुर का एक बड़ा लीडर है और समाज में उसका नाम है, उसका समाज में उसकी प्रतिष्ठा है समाज में, और तुम भी बीजापुर से एक लीडर हो, तुम्हारी भी एक प्रतिष्ठा है बीजापुर में, तुम दोनों मिल के जो ना ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो या सेटलमेंट पे आ जाओ, दोनों कॉम्प्रोमाइज करो तुम दोनों। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में उसने मानी उसने, और मैंने उससे कहा कि पहलवान को कदम का नंबर दे दो और कदम पहलवान से बोलो कि जाके तुम कदम से मिलो। उसने मेरी बात मानी उसने, और उसने पहलवान को फोन करके कदम से मिलने कहा, और कदम 9 मई को कदम को पहलवान मिलने गए। वहां पर जाने के बाद में कदम वकील पहलवान और रेशमा में तीनों में बातचीत हुई, पूरा तय हुआ, काम मिलना क्या करना सब कुछ तय हुआ। ये 10 तारीख को मिले भी, और उन्होंने रेशमा ने कदम वकील को
अपना वकीली पत्र दे दिया, साइन करके दे दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक क्या हुआ नहीं मालूम मुझे, मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं मिले, क्योंकि 17 को जब जुमा के दिन मैं नमाज में मस्जिद में ही बैठा था, मैं उस वक्त मुझे खबर मिली कि रेशमा का मर्डर हुआ, और मुझे बिल्कुल शॉक हुआ मुझे, और मुझे इस बात का मलाल भी हुआ मुझे कि पिछले 2 दिन से मैंने रेशमा से बात नहीं की थी, और अब ये हो रहा है कि मेरे और रेशमा में जो बातचीत हुई है उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है हर जगह पर, और मुझे बदनाम किया जा रहा है। उसके अंदर दो वीडियो मुझे मेरे जो सामने आए हैं, दो ऑडियो मेरे सामने आए हैं, तकरीबन 6 ऑडियो शायद, 6 ऑडियो में एक 4 में तो शायद मुझे लगता है पहलवान और रेशमा की बातचीत हो रही है, लाल की बातचीत हो रही है, पहलवान रेशमा लाल की बातचीत हो रही है, उसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, बातचीत वहाँ हो रही है, बातचीत वहाँ से हो रही है, जो मेरी उसकी बातचीत हो रही है उसमें दो है इसके अंदर। एक तो वो जो केस किया था 23 तारीख को पहलवान के फर्स्ट वाइफ ने आसमा पर, रेशमा पर, उसके बाद का एक वीडियो है जो बहुत गुस्से में है, वो गाली गलौज भी कर रही हो, और मैं भी जो ना उसके साथ में रिएक्ट भी कर रहा हूँ, हंस के बात कर रहा हूँ, हो सकता है रिएक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इससे बातचीत होती रही है, कुछ बातों में रिएक्शन आया मेरे तरफ से, मेरी तरफ से जो शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, रिएक्शन आया हुआ स्पॉन्टेनियस हुआ है वो जो बातचीत जो भी हुई है। लेकिन जो दूसरा जो है उसमें जो कदम वकील की जो बात करी है, वो कदम वकील के बाद में हम लोगों ने सेटलमेंट पर आना था हमको, और वो सेटलमेंट पर आ गई थी, खत्म हो गया था ऑलमोस्ट केस जो ना वो खत्म होने के कगार पर था। अगर रेशमा को वकील ने, वकील की तरफ से रेशमा को बेल के लिए अपनी एप्लीकेशन करना था, रेशमा बाहर वकील का कहना ये था कि रेशमा को इजीली बेल मिलेगी, उसमें वो जो सेकंड केस हुआ था उसके ऊपर, उसमें वो केस में कोई दम नहीं था, तो आसानी से रेशमा को बेल मिलेगी, बेल से बाहर आएगी, बाहर आके पहलवान का जो केस है उस केस में जाके कोर्ट में जाके पहलवान के सपोर्ट में बात करेगी। ये बातचीत हमारे मतलब इन तीनों के बीच में हुई थी, जिसमें मैं भी एक चश्मदीद गवाह था, लेकिन तीनों के साथ में नहीं, मैं बिल्कुल अलग से वकील के साथ बात कर रहा था। अब इस सूरत में मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ मैं कि इस मुझे परखने से पहले मेरा बैकग्राउंड जान लेते, मुझे कम से कम मुझे बात करते। कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, वो लोग समझ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बिना बात किए हुए मेरे फेसबुक पर मुझे गाली गलौज करना, ये गाली गलौज कर रहे हैं। ये मुझे कसम से बता रहा हूँ मैं कि मेरे पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता, शायद आप लोग भी मुझे जानते हैं, पिछले 25 साल से मैं शोलापुर में सुशोड़ो करता हूँ, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह। मैं मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, भारत मुक्ति मोर्चा, रामसेफ, शिवराज पक्ष का अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं बीएपी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं कई लोगों साथ में मेरे ताल्लुकात है। आप किसी से भी पूछ लें मेरे पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे बातचीत के बारे में, आप किसी से भी पूछ लें। और यहाँ पर जो ना इस मामले में मुझे घसीटना, मुझे मेरा दिल दुख रहा, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। आप इस बारे में जो क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप बहुत नाराज थी पहलवान के फर्स्ट वाइफ से भी, बहुत नाराज थी, उसमें एक क्लिप में उसने बात बताई है कि मैंने पहलवान के वाइफ से मैंने बात की थी, अगर वो क्लिप में तो मैं तुम्हें भेजती भेजू तो तुम्हारे कान में से खून निकल आएगा। मैंने रिएक्ट नहीं किया, मुझे भेजो बोल के मैंने रिएक्ट नहीं किया। अगर वहां अगर मैं रिएक्ट करता कि हाँ भेजो मुझे, तो मेरे दिल में कुछ ये होता ना, मैंने वहां बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वहां पर उसने कहा मुझसे कि अगर वो मैं क्लिप दोनों की बातचीत, पहले ही वाइफ से बातचीत मेरी जो हो रही है, वो अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे कान में से खून निकल आएगा। तो आरिफ भाई की जो बात है, तो मुझे हंसते हंसते मैंने कहा ये बात है कि रेशमा तो जो कर रही है तो सही कर रही है, तुझे ये करना है, तेरे को पहलवान को फंसाने के लिए तेरे को ये करना है। कहीं मैंने ऐसा कहा है क्या उसमें, उस क्लिप में, दोनों क्लिप में कहीं मैंने रिया पहलवान के अगेंस्ट में कोई एक सेंटेंस कहा है मैंने उस क्लिप में? आपका सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है ना, वो कह रही है पहलवान के खिलाफ जब वो बात कर रही है, पहलवान के मतलब वो पहले तो 5 महीने से बात कर रही है पहलवान के खिलाफ, अभी से बात नहीं करी,
मिनट 5 मिनट से बात कर रही हूँ, तभी मेरा रिएक्शन यही होगा शायद, पता नहीं मुझे क्लिपिंग नहीं है ना, वो जो क्लिपिंग इससे पहले मुझे नहीं मालूम, वो जो बात कर रही है उससे पहले भी मैंने शायद मुझे उस साथ इसी अंदाज में बात करता था मैं, लेकिन जैसे ही बात करता था मैं पहलवान को बताता था। इसमें भी जो है मैंने फौरन पहलवान को फोन करके बताया, फोन किया, मोबाइल बंद था, आरिफ को मैंने फोन किया, आरिफ भाई को फोन किया मैंने, आरिफ को फोन करने के बाद में आरिफ को बताया, आरिफ की मुलाकात मेरी पुलिस स्टेशन में हो गई, वहां पर बताया मैंने कि रेशमा मुझे फोन करिए, मैं ये मसला मिटा सकता हूँ, आप मुझे फौरन मुझे, क्योंकि मुझे पहलवान का फोन बंद है, मुझे पहलवान से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, अगर आपका कॉन्टेक्ट अगर हो रहा है तो मुझे फौरन मुझे बताओ, मैं पहलवान से मिल के ये मसला हल कर सकता हूँ। हंसने का रीजन एक ये भी था, मुझे लगता है मुझे मतलब सेकंड ये है, मैं काफी मतलब ये फर्स्ट और सेकंड में तकरीबन मुझे लगता है 8-10 दिन का फर्क है, मतलब ये 23 तारीख की बात निकली, मैं पता नहीं एग्जैक्ट आई डोंट नो मतलब क्या डेट था, कौन सी डेट पे बातचीत हुई मेरी, लेकिन वो सेकंड जो वो है वो मुझे लगता है 10 दिन का गैप है उसके अंदर, और उसके अंदर हमने वकील के थ्रू हमने तय कर लिया था क्या करना है। सेकंड क्लिप मुझे 8 मिनट की जो सेकंड क्लिप है वो क्लिप वकील मेरे मतलब कदम वकील को देने की बात ही क्लिप है। अरे दीदी वाले सांगितलं तर ती तशीच पडली होती, मी पहिल्या मोहरापासून खुला घेतलेला आहे, खुला म्हणजे जसं माणूस बायकोला तलाक देतो तसं बायको नवऱ्याला खुला देते, तर ती म्हणजे मी खुला घेतलेला आहे आणि माझं त्याच्याशी लग्न झालेलं झालं जेवढी तुम्हाला माहिती तेवढी मला आता आज सांगा की तुम्ही आज पत्रकार परिषद घ्यायचं कारण काय, तुम्हाला ह्याच्यात कोण त्रास देत आहे, मला त्रास ह्याच्याबद्दल तुम्हाला काही वकीला सुद्धा विचारलं तुम्ही का घेत आहे, तर मी म्हणतो की बाबा हे जे व्हायरल होत आहे हे समाजात असं अनेक काय काय होत असतं, तुम्ही काय किती वेळा म्हणजे किती लोकांना सांगत, पण तरी सुद्धा माझं मी म्हणतो की बाबा एकदा आपण बसून बोलू आपण, आणि जे लोक माझ्या नावानी हंड्रेडे मेसेज पाठवत आहेत त्यांना काहीतरी उत्तर द्यावं, त्यांना काहीतरी उत्तर द्यावं हीच माझी म्हणजे आहे याच्या मागं। नाही दादा कसं आहे माहिती का, समाजामध्ये अनेक प्रकारचे लोक अनेक गोष्टी बोलत असतात, आपल्याला काय द्यायची, पण इतक्या घाण इतक्या इतक्या एक मिनिट हुआ करता था, वो पहलवान नहीं है, वो नमाजी है, वो रोजा रखने वाला पहलवान है वो, और लोगों की मदद करने वाला पहलवान है वो, और वो अब एक ही माने आप, रेशमा को वो बहुत चाहता था और रेशमा भी उसको चाहती थी, मेरी जो बातचीत जो हुई है रेशमा से वो बहुत चाहता था और रेशमा भी उसको बहुत चाहती थी। रेशमा को गुस्सा इसलिए आया कि उसके सेकंड वाइफ ने उसको झूठा आरोप लगाया, वो जो है उसको बहुत गुस्सा था उस पर, और यही एक रीजन जो है ना था इसको उसको आपस में सुलझाने का मैं काम कर रहा था, और ये वीडियो वायरल होने की वजह से लोगों को ऐसा लगा, ये जो मेरी जो सेकंड मेरी जो इनिंग है मेरी जो वकील के साथ में मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोगों तक मुझे पहुंचाना था, इसीलिए मैं शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सोशल वर्कर आहे, आता कुठलाही गुन्हा घडला पोलिसांना जर वाटलं की बाबा समी मुलगा याच्यामध्ये आपल्याला अधिक माहिती देऊ शकतात ते तुम्हाला बोलवतील, कदाचित नाही बोलवणार कशाला स्वतः होईल हे कशाला। आता बघा समाज, आता तुम्ही विजयपूरच्या लोकांना अडवू शकणार का बोलणार आहे, तुम्ही इथे एक निदान काही 4 लोक ओळखीचे खुलासा करतात ते सांगतात ते होतच राहतो, तुम्ही मला वाटतं हे विषय विनाकारण आता कळालं की काँग्रेसमध्ये एमआयमध्ये कधी नव्हत्या इलेक्शन झालं असं वाटत त्यांचं तिथं विजापूरमध्ये, मला वाटतं पेपरामध्ये जी न्यूज आलेली आहे ह्या इलेक्शन मध्ये, मागील जो इलेक्शन झाला ना कर्नाटकमध्ये त्या विजापूरमध्ये इच्छुक होत्या, त्यांना तिकीट मिळालं नाही म्हणून त्या पक्षाला
जेडीएस मधून त्यांना तिकिटाची अपेक्षा करत होत्या, त्यांना तिकीट पेपरमध्ये आलं होते आणि त्यांनी काँग्रेस मध्ये प्रवेश केला. मला ते पेपरमध्ये कळलं, मला मला त्याच्या बोलण्याच्या बोलण्यामध्ये मला कधीही तिने सांगितलं नाही की मी काँग्रेस पक्ष करतो. शिक्षक जी लाल कुणाला लाल पेलॉन बरोबर जो दोस्त आहे पेलॉन पेलॉनचा तुम्ही एक बोलला की पैलवानला जी पद दिली त्यात तुम्ही नाराज असल्यासारखं तुम्हाला माहिती घर होऊ देत पैलवानला पद दिली त्याच्यात तुम्ही एक वाक्य आहे तुमचं जो पद दि आहे तुमचे मी मी कार्याध्यक्ष म्हणून तुमचे मी वो पता नाही आहे माझ्याकडे क्लिपस आधी ऐकले नाही ऐकलो मी थोडं बहुत पण एवढं सिरियस आहे. तुम्ही कार्याध्यक्ष आहात तर पैलवानला जी पदं दिली ती मला माहिती का होऊ देत पदं दिलेली आहे बोलल असं मला एमएलचे कार्याध्यक्ष आहे एमएलचे कार्याध्यक्ष आहे पण ठराविक पिरियडच आहे तो 10-15 दिवसाचा किंवा महिन्याचा की एवढं शेवटच्या टोकाला जाईपर्यंत नेमकं काय कारण घडलं असेल पैशाचं कारण पैसे पैसे त्याला पैशाची आवश्यकता होती. बँकेमधून जे लोन काढलं गेलं होतं बँकेचं व्याज भरायचं होतं दर महिन्याला ती भविष्यकर नव्हती त्यामध्ये ती त्यासाठी ती फारच प्रॉब्लेम मध्ये आली तिच्याकडे पैसे नव्हते तिच्याकडे सुद्धा त्यासाठी ते विवरण जे आले ती तगारा करत होती पैशाचा तगारा करत होती त्या मग त्या पैशा पैशाबद्दल तर ते बोलत ती बोलत होती. सर या जे आहे जे चार जे फिल्म्स आहेत भगवानच लाल आणि रेशमा ह्या जे बोललेल्या आहेत या तर तिच्या मोबाईलमध्येच आहेत ना तिच्याकडे ना तिच्याकडूनच आलेले दिसतो कुणीतरी आहे इथं आणि ती मला जी मेसेज ती पाठवत होती मला सोलापूर जे मेसेज आहे तिला पूर्वीच कळत होते मला तुम्ही एका ठिकाणी बघितलं असेल अरे यार तुम्हाला रिजेक्ट कॅन्सल बिल कॅन्सल मी तुम्हाला ऐसा क्या मेरे को नहीं मालूम कोई पेपर में तो मैं तो नहीं पढ़ा सब सब रिएक्ट कर रहा पण मला ते माहित नाही मला पण ती मला ते पाठवली काय मला ते मी ठरवलं ना मी पोलिसांना दाखवण्यासाठी मला तिथून येत आहे बिल रिजेक्ट जे काय असेल फोटो म्हणजे सीपीला फोटो देत असलेले फोटो ती व्हायरल करते ती मला पाठवते मला माहिती मला कोण कोण गेले त्या पहिल्या पहिल्या ह्याच्यामध्ये सेकंड ह्याच्यामध्ये सेकंड टाइम जेव्हा आम्ही गेलो तिथं आपल्या सीपी ऑफिसमध्ये दुपारची वेळ होती मी पोटामध्ये होतो घरी जाऊन झोपलो मी झोप उठल्यानंतर मी पाहिलो की 7 मिस कॉल होते माझ्या मोबाईलवर 2 मिस एक मिस कॉल होता मुल्लाचा आमच्या एमांच्या बबन शिंदेचा कॉल होता त्यामध्ये बबन शिंदेचा कॉल होता आणि 5 कॉल रेशमाचे होते तर मी म्हणलो की रेशमाने एकदा फोन घेतला ना तर बडबड करत असते ती तर मी म्हटलं पहिल्या त्या दोघांशी बोलव मी ह्याला बोललो तर म्हटलं सीपी ऑफिसला या आपल्या सीपी ऑफिसला या आपल्या सीपी ऑफिस मध्ये हे द्यायचं निवेदन द्यायचं पहिल्यांच्या ह्याच्यासाठी पेपरमध्ये बबनला बोललो बबन सोबत तोच मेसेज दिला कळलं ना मी कोटामधून मी घरी गेलो मी घरी गेल्यानंतर कोटामध्ये होतो मी तेव्हा घरी गेल्यानंतर फ्रेश होऊन मी ह्याला हिला फोन लावलो कोणाला रेशमाला फोन लावलो मी शब्दापैकी मी भयंकर थकलो मला जावं किती जावं असं माझ्या मनस्थितीत होतो मी रेशमाला फोन लावला तर रेशमा म्हणजे अरे तू काही नाही घ्या तू म्हणतो किती हो सीपी ऑफिस पण मी जाणून बुजून सीपी ऑफिसच्या आतमध्ये गेलो नाही जाणून बुजून गेलो नाही तिथे गेल्यानंतर ती मला विचारेल सीपी इतकी सामने क्या बातचीत
त्यासाठी मी जाणून बुजून सीपी ऑफिस सीपी ऑफिस मध्ये गेलो मी, पण सीपी सीपीच्या केबिन मध्ये गेलो नाही. जे झालं होतं ना त्या आतमध्ये गेलो नाही. जेव्हा मी बाहेर आलो तेव्हा लोकांनी बाईट देऊ लागले. लोक म्हणून मला लोकांनी सांगितलं तुम्ही सुद्धा बाईट द्या. पण मी काय म्हणतो बाबा मी आता तर म्हणतो बाईट काय देऊ.